आज हम बात करेंगे होंडा सिटी वाल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट के बारे में। और अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है और उसका अगर आपको साउंड थोड़ा बहुत चेंज करना है, थोड़ी स्पोर्टी साउंड चाहिए, तो इस चीज़ को करने के लिए दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कि आप एक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट उसमें इंस्टॉल करवा लीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। दूसरा ऑप्शन होता है जो कि इंडिया में मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली मेरा मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक, जिनके पास वाल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट आपका जो मफलर होता है गाड़ी का, जो आपके एग्जॉस्ट से जस्ट पहले जो एक रेजोनेटर बॉक्स जैसा होता है जिसको मफलर कहते हैं, जो आपकी आवाज़ को साइलेंट करने का काम करता है, उसकी जगह आपकी वाल्वेट्रॉनिक का बॉक्स जो है वो फिट हो जाता है। और इस प्रोसेस को करने के लिए आपको वेल्डिंग का यूज़ करना पड़ता है। अगर आपके आसपास के एरिया में कोई प्रोफेशनल इसका काम नहीं करते हैं अगर लोग, तो आपको इसको इंस्टॉल करवाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। और वो एग्जैक्टली चीज़ हमारे साथ हुई, हमको इस एग्जॉस्ट को इंस्टॉल कराने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। तो थोड़ा बहुत मैं आपको क्लिप्स के थ्रू समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि फाइनल जो है रिजल्ट कैसा निकला और आवाज़ वगैरह जो है कैसी आई है। बेसिकली वाल्वेट्रॉनिक होंडा सिटी में इंस्टॉल करवाने की प्रोसेस कुछ इस टाइप से हुई। 2 महीने पहले ये जो आज अभी जो क्लिप आप देख रहे हो, ये रिकॉर्ड इस एग्जॉस्ट लगने के 1.5 महीने बाद की है, और एग्जॉस्ट लगे हुए लगभग 1 महीने से ज़्यादा अभी फिलहाल हो चुका है। परफॉर्मेंस इज़ इम्पेकेबल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने खुद उस पर काम करके जो है एग्जॉस्ट को फिट करवाया है। सबसे पहली चीज़ कि हम एग्जॉस्ट को पारस दिल्ली से लेके आया, उसके बाद हम निकले उदयपुर में, कि उदयपुर के लिए कि चलो ट्राई करते हैं कि उदयपुर में अगर फिट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब दिक्कत यह है कि हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर आपके कार मॉडिफिकेशन रिलेटेड बहुत कम चीज़ें इस एरिया में होती है, मतलब जनरली आपका डेकोर का काम हो जाएगा, सीट कवर वगैरह छोटा मोटा काम, बट ये चीज़ जो है एग्जॉस्ट फिटिंग है, ट्यूनिंग है, ये सब थोड़ा हाई ग्रेड का काम होता है जो कि यहाँ पर नहीं होता। सो हम निकले उदयपुर के लिए, हमारे वहाँ पे 1-2 वर्कशॉप हैं पहचान की, हम वहाँ गए, गाड़ी वगैरह उनको दिखाई, उन्होंने लिफ्ट पर चढ़ाई, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ पर जो है हमारी बात नहीं बनी। कुछ क्लिप्स मैं अभी ऐड कर देता हूँ, इसके बाद आप देख लीजिए कि किस टाइप से हमने वहाँ पे, हमारा 2 दिन का काफ़ी स्ट्रगल रहा इसको फिट कराने का। अगर उदयपुर में हो जाता तो सही रहता, लेकिन उदयपुर में अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। फिर 2 दिन उदयपुर में काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने के बाद हम वापस डूंगरपुर आए, और डूंगरपुर में एक पुराना एक वर्कशॉप है जो काम, मतलब जिप्सी वगैरह का छोटा मोटा मॉडिफिकेशन जीप वगैरह करते हैं, तो हम उनके पास गए। उनके बाद जो वेल्डर थे उन्होंने कहा कि हम जो है आपका ये काम करके दे देंगे। सो ठीक है, फिर हम वहाँ गए, गाड़ी ले गए, उन्होंने वेल्डिंग करके दी, लेकिन अब उस वेल्डिंग में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपको एग्जॉस्ट रिलेटेड कुछ काम करवाना होता है, तो जब मफलर की जो वेल्डिंग होती है वो आपकी गाड़ी की स्टॉक पाइप के साथ ही अगर हो जाए, तो आपकी फिटमेंट में इशू नहीं आता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एग्जॉस्ट को गाड़ी में से निकाल लिया है और उसके बाद आप उसमें काट छाट करके और पाइप फिटिंग करोगे, तो उसकी लेंथ में, बेंड में, सब जगह कुछ ना कुछ इशू आते हैं। वो एग्जैक्टली इशू हमारे साथ आए, क्योंकि जो वेल्डर थे यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको एग्जॉस्ट गाड़ी में से निकालना पड़ेगा, तो हमने उनको निकाल के एग्जॉस्ट दे दिया, मतलब उन्होंने ही उसकी जो है फिटिंग वगैरह करी थी, खोली थी, तो अब उन्होंने एग्जॉस्ट निकाल दिया। अब दिक्कत ये आ रही थी कि हमने जो मफलर है उसको फिट करवा दिया, लेकिन उसके मेजरमेंट नहीं लिए, जिसकी वजह से जो हैंगर होते हैं जिसके ऊपर आपकी पूरी एग्जॉस्ट इंजन से लगा के हेडर से और पूरी जिसपे हैंग होती है, वो चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो उसके भी हमको काफ़ी दिक्कतें, मतलब सामना करना पड़ा, कि कभी गाड़ी चेसिस पे टच हो रहा था पाइप, कभी किधर टच हो रहा था। उसके बाद फिर ये प्रोसेस होने के बाद फिर से मैंने पर्सनली घर पे खुद एग्जॉस्ट वापस खोला, उसको 2-3 जगह से, मतलब उस पर मार्किंग करे, गाड़ी में लगे मार्किंग करे, वापस कटिंग करवाई और उसको फिट किया। इसके बाद जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, और आप एक बार आप गाड़ी की जो है साउंड सुन लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से वाल्वेट्रॉनिक का इंस्टॉलेशन हमने फाइनली किया। बहुत दिक्कतें इसमें आई, लेकिन चलो ठीक है, एग्जॉस्ट काफ़ी बढ़िया तरीके से इंस्टॉल हो गया है। और भी वीडियोस पे काम अभी जारी है आपको, और फ्यूचर में अच्छे अच्छे वीडियो देखने मिलेंगे। फॉर नाउ इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।